ओजी सुनते हो, चाय मिलेगी कि नहीं आज? अजी गड़बड़ हो गई, चाय में कॉकरोच गिर गई, क्या करूं? अरे इतनी सी बात, कॉकरोच निकाल के फेंक दो, चाय लेके आ जाओ। वैसे भी कॉकरोच वाली चाय बहुत ही टेस्टी होती है। कैसी लगी चाय? अरे मजा आ गया कॉकरोच खा के। अच्छा सुनो जी, तुम्हारे लिए एक काम है। कैसा काम? ओ जी मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 निकालने थे, और तुम तो देख रहे हो ऑफिस का कितना काम बचा हुआ है। क्या तुम प्लीज बैंक जाके मेरे लिए पैसे निकाल सकते हो? यार ये बैंक में खड़े रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरे दिन धूप में खड़े रहो, मेरी पूरी मेकअप उधर जाती है। ऊपर से तुमने बैंक का खाता खोला है SBI में। कोई बात नहीं, जाके ले आऊंगी मैं। अरे तुम आ गए? नहीं रास्ते में हूँ। दिखता नहीं क्या तुम्हारे सामने खड़ी हूँ? पूछ क्यों रहे हो? 4 घंटे धूप में लाइन में खड़े होने के बाद जब मेरा नंबर आया तो कैशियर बोलता है कि लंच टाइम में मैडम बाद में आओ। फिर 1 घंटे बाद वो कैशियर वापस आता है और बोलता है कि पैसे ही नहीं है। और तुम वैसे ही वापस आ गई, सुनाना था ना उनको। इतना बड़ा बैंक के पैसे कैसे खत्म हो गए? मैं अगर ऐसा करता तो तुम तो मुझे धो डालते। मैं तुम्हें अभी भी धोने ही वाली हूँ। पर क्यों? मैंने किया क्या? क्योंकि पैसे बैंक में थे, तुम्हारे खाते में नहीं थे। ओ जी गुस्सा छोड़ो, चलो डिनर पे लेके चलता हूँ तुम्हें आज, जल्दी आ जाओ। जी मैं रेडी हो गई, चलिए। अरे ये बिल्ली का क्या करें, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, इसको थोड़ी ना लेके जा सकते हैं। इसको पीछे बरंडा में लॉक कर दीजिए। ठीक है बेबी, तुम निकल जाओ, उबेर आ चुका है गाड़ी नीचे, मैं इसको लॉक करके आता हूँ। ओके बट जल्दी आना। कमीनी बिल्ली कहीं की, हमेशा परेशान करके रखती है हमें, कहीं बाहर नहीं जाने देगी क्या तू मुझे? चल। हेलो मैडम, नमस्ते, क्या आप अकेली जाने वाली हो क्या? अरे नहीं, मेरे हस्बैंड भी है, वो आने वाले हैं। वैसे तुम्हारी ये गाड़ी इतनी हिल क्यों रही है? इंजन बंद करो ना। नहीं मैडम, एक बार इंजन बंद हो गई तो आपको धक्का देना पड़ेगा। दोगे क्या धक्का, बोलो? नहीं फिर चालू रहने दो। ये बंदा मुझे खुद ठीक नहीं लग रहा है, चोर जैसी शक्ल है इसकी। इसको कहीं अगर पता चल गया कि आज हमारा घर पूरी रात खाली रहने वाला है, कहीं ये घर में चोरी ना कर बैठे। हे भगवान क्या करूं? क्या मैडम, कितनी देर लगाएंगे सर आने में? बस आने ही वाले हैं। वो क्या है ना, मेरी माँ है घर में, तो वो उनको तबीयत खराब है ना, इसीलिए मेडिसिन देने गए हैं। ओ लो जी मैं आ गया। अरे कमीनी ने परेशान करके रखा था, बेड के नीचे घुस गई थी, हरामजादी की गला पकड़ के मैंने निकाला, एक लात मारा पिछवाड़े में, फिर जाके बरंडा में डाल के लॉक करके आया हूँ उसको। ओ जी डेस्टिनेशन आ गया, चलिए 500 रुपए निकाल दीजिए और उतर जाइए। अब क्या हो गया? मैं तो पर्स लाना भूल गया, काम ढंग से नहीं होता तुमसे, अभी ड्राइवर जूते मारेगा हमको। मुझे पहले से ही डाउट हो रहा था, तुम साले चोर लगते हो चेहरे से। ओ जी अब क्या करें, जेब में तो पैसे नहीं है, अब डिनर कैसे करें? वो मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके मुझे आज खिलाओ, मैं भूखी नहीं जाने वाली घर वापस। एक आइडिया है मेरे पास, सामने देख रहे हो शायद किसी की शादी चल रही है, मेहमान बन के जाते हैं, पेट भर के खा के निकल आते हैं। अबे अभी इतने जूते खा के शर्म नहीं आई तुम्हें? वापस जूते खाना है क्या? अरे कुछ नहीं होगा, तुम चलो बस मेरे साथ, देखा किसी को पता नहीं चलेगा, झटपट खा के निकल जाते हैं। हेलो एवरीवन, यहाँ कौन कौन लड़की वालों की तरफ से आया है प्लीज खड़े हो जाएं। अब 3 गिनने तक आप दोनों यहाँ से निकल जाओ, ये किसी की शादी नहीं चल रही है, इधर बर्थडे पार्टी है। 1, 2, 3। और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, हमारे पेज को लाइक जरूर करें।